वेलकम फ्रेंड्स, सिट्टल ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मंत्रा की या मैं फेयर्स 100 डिवाइस पीसी या लैपटॉप में अपने कैसे रजिस्टर्ड करेंगे इंस्टॉल करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद में आपको सर्च करना होगा मंत्रा RD सर्विस। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टाइप करके। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ड्राइवर्स एस डॉक्यूमेंट मंत्रा सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट करना होगा। सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देने के बाद आप देख सकते हैं आप मंत्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ से मंत्रा की RD सर्विस के ड्राइवर्स साइलेंट सर्विस और जितनी भी चीज़ें चाहें आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे विंडो डाउनलोड लिखा हुआ है MS 100 RD सर्विस। यहां से इसको RD सर्विस को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप लाइट के नीचे जाएंगे तो आपको यहां से मंत्रा की क्लाइंट सर्विस को डाउनलोड कर लेना है। यहां पे क्लिक करके उसके बाद आप ऊपर आएंगे फिर से तो आप देख सकते हैं MS 100 का ड्राइवर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है जो कि सपोर्ट है Windows 7, 8 एंड 10 तीनों के लिए, चारों के लिए सपोर्टेड है। इस पर क्लिक कर लेना है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है कि ताकि आपको समय ना लगे दिखाने में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना होगा MS 100 ड्राइवर को। तो आप देख सकते हैं मेरा ड्राइवर धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद अपने मंत्रा डिवाइस को आप अपने PC या लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिए ताकि सॉफ्टवेयर अपडेट करने में या इंस्टॉल होने में कोई समस्या ना हो। तो आप देख सकते हैं मेरा ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्राइवर की तरफ जो कि है मंत्रा RD सर्विस के नाम से। उसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा वो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं नीचे इसका भी वो पॉपअप मैसेज आ गया कि आपका ड्राइवर RD सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। अब हम इस दोनों को टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम टेस्ट का पॉपअप मैसेज ओपन करते हैं रिफ्रेश करने के बाद में। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी मंत्रा की डिवाइस और ये पूरा मॉडल नंबर कनेक्ट करते ही आ गया है। तब आपको नीचे स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फिंगर की लाइट जल जाएगी और आप अपना अंगूठा रखेंगे तो आप स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अंगूठा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और सक्सेसफुली फिंगर स्कैन हुआ। तो आप अब इसके बाद में आप अपने क्लाइंट सर्विस को रन एज एडमिनिस्टर पर क्लिक करके स्टार्ट कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा कमांड पोर्टल ओपन हो गया है और मंत्रा की क्लाइंट सर्विस स्टार हो गई है। फ्रेंड्स, आप इन तीनों को वर्क कर लेने के बाद में और अगला नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर क्लिक कर लेना होगा। तो हम इस पर नो कर देंगे। मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओल्ड वर्जन में ही रहना है, तो हम इस पर नो कर देते हैं। अब मेरा सॉफ्टवेयर तीनों सक्सेसफुली कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। आप इसे पहले भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाएंगे। ये वर्क आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना है। उसके बाद आप नीचे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और उसमें आपको एक जगह दिखेगा मंत्रा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओपन से क्लिक कर लेना है माउस का राइट क्लिक करके। उसके बाद आपको सेलेक्ट करते जाना है और उसे ओपन करते जाना है। जब पूरा फाइल्स एक साथ मंत्रा की डिवाइस ओपन हो जाए तो आप कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट करके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे माउस का लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपको किस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, तो आपको इसको पूरा हाईलाइट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अब आप सीधा आप आएंगे यहाँ पे, लिखेंगे EDIT एडिट लिखेंगे, उसके बाद में आपको इस प्रकार का पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। तो आपको इस वाले अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से न्यू पे सेलेक्ट करना है और ऊपर लिखना है आपको स्मॉल लेटर में PATH। उसके बाद नीचे आप वही जो कॉपी किए हैं आप यहाँ डाल के ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे जाने के बाद में आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका जो भी एरर रहेगा वो सारे प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएंगे और आप देखेंगे कि तो आपकी पूरी मंत्रा की डिवाइस सक्सेसफुल वर्क करना चालू हो जाएगी। तो हमें अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।